नमस्कार आदाब, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक न्यूज चैनल से। दोस्तों आज मैं मुमरा में खड़ा हूँ रशीद कंपाउंड में। रशीद कंपाउंड में एक सिराज शेख नाम का एक लड़का था, कुछ 20 साल के आसपास में उसकी उम्र बताई जा रही है। और इसने 4 बजे के टाइम में फांसी लगा लिया है। और फांसी लगाने के बाद में वहाँ के कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में फोन किया, तो पुलिस वहाँ पे आके कार्रवाई की है। बॉडी अभी लेके गए शिवाजी हॉस्पिटल में, वहाँ पे पोस्टमार्टम करवा रहे हैं अभी। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ये जो फांसी लगाया है, एक प्यार का मामला था, एक लड़की का मामला था, उसके वजह से इसने फांसी लगाया। तो मैं ये न्यूज़ के जरिए से मैं और भी एक चीज़, एक संदेश देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो लड़की के चक्कर में या किसी चीज़ के चक्कर में जो फांसी लगा लेते हैं, इससे कुछ किसी को सफलता हासिल नहीं होती है। उल्टा जो तुम्हारे माँ बाप घर के होते हैं, जब जो जिनकी आपके सर के ऊपर एक आस होती है, हमारे बच्चों से जो आस लगा के रखते हैं, उनका दिल दुखता है, उनका घर टूटता है। लड़की तो क्या है, लड़की फिर बाद में उसको कोई ना कोई तो उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा, और आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। दोनों जन को अब्बा ने हटाए, अलग किए, छोटे वाले भाई को लेके गए दुकान पे, बहन को घर पे रखे। फिर सुबह काम वीम किया अब्बा के साथ, जो भी काम वम किया, झाड़ू वाड़ू मारा, बकरे उकरे को निकाला, नाश्ता वास्ता किया घर दुकान पे, दुकान से गया घर पे। घर पे जाने के बाद क्या खाना वीना खाया, नमाज पढ़ के खाना खाया, नमाज को गया, नमाज पढ़ के आया, खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने ऐसा हंसता कर लिया, फांसी लगा लिया अपने आप को। ऐसा क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आया मुझे। शादी हो गई थी उसकी? शादी नहीं हुई थी, अभी 20 साल का एज है उसका। आज उसने फांसी लगाया, तो जब आपसे मुलाकात हुई उसकी, तो आपको वो डिप्रेशन में या टेंशन में ऐसा लग रहा था आपको? कल भी मुलाकात हुई होगी? नहीं, ऐसा कुछ टेंशन में कभी देखा भी नहीं, और ऐसा कभी उसका फालतू है भी नहीं कुछ। दोस्त से आपकी जान पहचान है? है पहचान, मगर कैसा, मैं उसके दोस्तों को उतना पहचानता नहीं, अपने में रहता हूँ मैं, उसको उतना पहचानता नहीं। अच्छा, वो क्या करता था? वो फ्रिज और एसी का काम सीखता था अमरुन नगर में। सदाम, क्या कारण हो सकता है यार, वो 20 साल का बच्चा है, काफ़ी समझदार होगा, आप भी बता रहे हो समझदार, बहुत जिम्मेदार लड़का था, बहुत ज़्यादा फांसी लगा लिया, क्यों ऐसा, मतलब अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त करने पर मजबूर हुआ वो, इसके बारे में कुछ बताओ। अल्लाह ही जाने इसके बारे में मैं कैसा बता सकूँ, मतलब कुछ अपने को मालूम नहीं उसके बारे में। ऐसा कैसा हादसा उसने अपने आप पर ले लिया, फांसी लगा लिया, बहुत तकलीफ हो रही मेरे भाई, इतना अच्छा मेरा भाई था। तो इस तरीके से घटना मैं न्यूज़ के जरिए से बताना चाहता हूँ उन नौजवानों बच्चों को जो आजकल ये लड़कियों के चक्कर में फांसी लगा लेते हैं या कहीं ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वाकया जो है यह आया है हमारे सामने, और आज भी ये वाकया जो हमारे सामने आया है ये भी एक दिल दहलाने देने वाला वाकया है। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और आगे से मैं दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि इस तरीके के जज्बात से जो है अपनी ज़िंदगी से मत खेलो। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, इतनी आसान नहीं है, इसको कुदरत को आपको हिसाब देना है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए नमस्कार।